अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त विंटर स्पेशल बनाने वाले हैं, मछली का सालन। बहुत ही यम्मी, टेस्टी और बहुत ही इजी रेसिपी। इतनी ज़बरदस्त फ़िश करी बनाएंगे आज हम। जो खाएगा ना, फ़िश फ्राई को उसने भूल जाना है और उंगलियाँ चाटते रह जाना है आपने। आपने घर जाना है, घर में जो आपकी फ़िश पड़ी हुई है ना, उसे आप निकालो, उसे आप आसानी से जाके बना सकते हो। फ़िश करी बनाओगे ना, हर एक को पसंद आएगी और सबसे यूनिक रेसिपी है। इतनी आसान कोई बच्चा भी बना ले। बस आप वीडियो को फुल देखना ताकि आपको हर स्टेप की समझ लगे, और इसी तरह से ट्राई करना, आपकी भी इसी तरह से सॉफ्ट और यमी सी फ़िश तैयार होगी। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो अभी पाक रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर वाले बेल के आइकॉन को प्रेस करके उसे ऑल पर कीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार फ़िश करी। तो फ़िश बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा 1.5 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून भर के हल्दी, और साथ ही साथ तकरीबन 2 टेबल स्पून आपने धनिया पाउडर ले लेना है, 1 से 2 टेबल स्पून, 1 छोटे चम्मच काले मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच आपको चाहिए होगा ज़ीरा, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर चाहिए, और उसके अलावा हम ले लेते हैं 1/2 कप दही। बहुत ही सॉफ्ट सा हमारा जो फ्लेवर है वो इसके अंदर आएगा दही की वजह से। और 2 अदर टमाटर जिनको हमने बारीक बारीक छोटे 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 करके आपने बारीक काट लेना है। और इसके अलावा आपको तकरीबन 3 चुटकी ऑरिगेनो यानी कि आपको चाहिए होगा अजवाइन, अच्छी सी खुशबू से आ जाती है। और पेस्ट वगैरह में आपको चाहिए होगा 1 टेबल स्पून हमने हरी मिर्चों का पेस्ट लिया। तो जो सिंपल वे है ना, आप 2 अदद हरी मिर्चें लेना, उनका बारीक काट लेना है, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि लहसुन अदरक का पेस्ट, बड़ी बड़ी 2 हमने प्याज़ें ली जिनको हमने बारीक बारीक काट लिया था, ये आपको चाहिए होगा। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे लेमन जूस ले लिया। अब ये बोतल में इसलिए पड़ा है, हमने पहले का बना के रखा होता है ना, बार बार क्या नींबू बंदा निचोड़े, ठीक है, तो इसलिए हमने पहले का निचोड़ के ना रखा हुआ है बोतल में। तो 2 टेबल स्पून हम इसमें यूज़ करेंगे चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए। आपको चाहिए होगी फ़िश, सबसे मेन इन्ग्रीडियंट फ़िश जो है, ये हमारे पास 3 किलो है और 3 किलो है वेट में, और जो पीसीज हैं वो आप देख सकते हैं बिल्कुल मीडियम साइज़ के हैं। ये हमने मार्केट से पीसीज करवा लिए थे जब लिए थे, इस पर कोई अभी तक नमक वगैरह कुछ भी नहीं लगाया हुआ, इसको हमने अच्छी तरह से धो लिया है। वज़न इसका 3 किलो है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में बनाएंगे, कढ़ाई में हम डालेंगे 1/2 कप घी या कुकिंग ऑयल। देखिए घी गर्म हो गया है, मेल्ट भी हो गया है। अब सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें हम ऐड करेंगे 2 अदद प्याज़ें। फ्लेम इस वक्त मीडियम रखा हुआ है, गरम गरम ऑयल में डालने और इसे फ्राई कर लेना है। अब ये नहीं कि आपने इसे ब्राउन कर लेना है, ब्राउन नहीं करना, बस सॉफ्ट करना है, ठीक है जी। ये हम सालन बना रहे हैं, सॉफ्ट हो गई हल्की सी। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करते हैं, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है इसी, और मुझे तो बहुत पसंद है लहसुन अदरक के पेस्ट की खुशबू जब फ्राई होती है तब। ये देखें, अब इसको फ्राई करना है ताकि ये बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। मीडियम फ्लेम पर आपने इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए कुक कर लेना है, ब्राउन हरगिज़ नहीं करना आपने इसको, ब्राउन नहीं करना, बस सॉफ्ट करना है आपने। देखें जी, सॉफ्ट होना शुरू हो गई है, बस हल्का सा साथ साथ मिक्स करते जाएंगे, और इसमें एक जो हमने टमाटर था ना बारीक काट लिया था वो इसमें शामिल करेंगे इस पॉइंट पे, और इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। माशाल्लाह से जो यकीन करें, इस वक्त इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना लहसुन अदरक के पेस्ट की, प्याज जो है उसकी, और जो टमाटर हमने डाले हैं बहुत अच्छी से भुनने की खुशबू आ रही है। बस इसी तरह जब अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए और ये सॉफ्ट बिल्कुल हो जाए, तो इस पॉइंट पे इसमें हम नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च का पाउडर, ज़ीरा और अजवाइन शामिल करेंगे। और कितने इंग्रेडिएंट में डालने हैं हम आपको पहले भी बता चुके हैं, और डालते हुए मैंने ना स्क्रीन पे टाइटल भी लिख दिया, तो स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ भी नज़र आ जाएगा कि कितने अमाउंट में डाली है। और अच्छा से जो ढेर है मसालों का हमने इसमें डाला है, इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है ताकि मिर्चें जले ना। इसमें हम 1/2 कप दही डाल देते हैं क्योंकि मिर्चें बड़ी जल्दी जलने लग जाती हैं। तो चले जी, 1/2 कप हमने इसमें दही शामिल कर देनी है, और मीडियम फ्लेम इस वक्त रखा हुआ है, ये नहीं कि आप तेज़ आंच पर करना शुरू हो जाओ, मीडियम फ्लेम पे मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से। इतनी आसान रेसिपी है, कोई बच्चा भी बना ले, इतनी आसान, बस आप वीडियो को फुल देखो, इंजॉय करो। और ये हमने दही डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है भुनने की मसालों की, और ताकि और जले ना हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ इसमें 1/2 कप पानी डाल रहे हैं ताकि हम इसे अच्छी तरह से भून लें। अब तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से आप इसे भून लेना मीडियम फ्लेम पर, ठीक है। देखें बबल्स आना शुरू हो गए हैं ना, तो जब ये भुन रहा होगा तब आप इसमें लेमन जूस डालना है आपने 2 टीस्पून, ये टीस्पून है छोटा सा, आप चाहे तो 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून नॉर्मल है, लेकिन हमें बड़ा चटपटा सा बनाना है, बड़ा मज़ेदार सा स्पाइसी कड़ी बना रहे हैं ना, तो इसलिए आप क्या करो 2 टेबल स्पून हमने इसमें शामिल किया है। बबल्स आना शुरू हो गए हैं, जब भुन रहा होगा उसी दौरान आप इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर देना, जो 1 टेबल स्पून पेस्ट है हरी मिर्चों का, या बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हो। और ये शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो जब तक देखें मसाला जब तक भुन रहा है ना, आप जल्दी से लाइक कर दो अगर आपको अच्छी लगी है, और चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी तरफ से हमारी लेके नाम होता है, आपकी एक छोटी सी की सपोर्ट होती है, ठीक है जी, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। अब इसमें हमने फ़िश डाल देनी है, 5 से 6 मिनट भूनने के बाद जो 3 kg हमारे पास फ़िश थी वो इसमें शामिल करेंगे पीसेस।
और मिक्स करेंगे ये जो ढेर सारी फिश है ना, इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखें घी भी ऊपर आ गया है मसाले का, बिल्कुल ठीक हमारी मज़ेदार से बन रही है। खुशबू इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त पता चल रहा है घर में फ़िश बन रही है। एक कप पानी शामिल कर दें ताकि फ़िश गल जाए और इसको ढक के आपने 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे कुक कर लेना है। 15 मिनट हो गए हैं माशाल्लाह से, ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छी खुशबू, बहुत ही ज़बरदस्त दिखने में लुक, और क्या ज़बरदस्त इसकी मसाला जो है वो देखें आप कितना गाढ़ा और कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है माशाल्लाह से। अब बस हमने थोड़ी देर 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे से कुक करना है और उसके बाद उतार लेना है। ये हमारी ज़बरदस्त सी स्पेशल कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है, फ़िश करी इतनी ज़बरदस्त इतनी टेस्टी इसकी लुक आ रही है और टेस्ट में तो उम्मीद है बहुत ही अच्छी होगी ना, खुशबू से पता चल रहा है आज घर में फ़िश बनी। आप बनाओगे ना वहाँ बाहर तक हमसायों तक को खबर पहुँचेगी आपने आज फ़िश बनाई है। चलें इसको हम डिश आउट कर लेते हैं प्लेट में। ये देखें तो देखें जब तक डिश आउट कर रहे हैं ना जल्दी से लाइक कर दो प्लीज़, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ये बटन जो है ना लाल सब्सक्राइब कर से अभी दबाएं और बेल का आइकॉन प्रेस करके उसे ऑल पे कर देना आप, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाएँ। ठीक है जी, तो ये हम डाल देते हैं इसमें। ये देखें जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त करी तैयार हुई है, कितना ज़बरदस्त गाढ़ा सा मसाला है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, फ़िश इतनी सॉफ्ट है आप उसे चम्मच से हिलाओगे ना वो टूट जाएगी, इसलिए आप बर्तन जिसमें आप डाल रहे हो कोई कढ़ाई जिसमें आप बना रहे हो उसे हिलाना सही है जी। ये देखें लुक बहुत ज़बरदस्त आई है, इतना रेड रेड सा, और टर्मेरिक पाउडर यानी कि हल्दी जो यूज़ की थी उससे इतना अच्छा कलर आया है। हमने थोड़ी सी गार्निशिंग करी थी हरे धनिए से और कितनी ज़बरदस्त करी वो देखें, टमाटर जो प्याज हर चीज़ हमने डाली थी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और लुक भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और किसी को अगर फ़िश नहीं ना पसंद वो भी इस रेसिपी को ट्राई करेगा ना तो इंशाल्लाह बस उंगलियाँ चाटते रह जाना आपने, इतनी ज़बरदस्त ही बनेगी। आप इस रेसिपी को एक बार बनाओगे ना आपने बार बार बनाना है, तो ट्राई लाजमी लाजमी करना। तो अब हमसे तो इंतज़ार नहीं हो रहा, गर्मा गर्म हमारा मछली का जो सालन है वो तैयार है, इसके साथ आप पराठा सर्व कर सकते हो, इतना अच्छा लगता है पराठा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ पराठा तो अवेलेबल नहीं है इसलिए हम ना चपाती के साथ ही से टेस्ट कर लेते हैं। चलें जी, ये देखें हमने अभी हाथ लगाया वो लेयर्स आप चेक करें कितनी ज़्यादा है फ़िश की, कितनी लेयर्स हैं इससे मतलब बिल्कुल परफेक्ट बनी है। टेस्ट करेंगे इसको हम, थोड़ा सा मसाला और साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इतना बल्कि कमाल ही हो गया, क्या ज़बरदस्त इसका टेस्ट है, अंदर से कितनी जूसी है बिल्कुल बादाम की तरह, बिल्कुल सॉफ्ट, अंदर से लेयर्स बनी हुई है इतनी ज़्यादा, मसाला बिल्कुल परफेक्ट है, हरी मिर्चें लहसुन अदरक प्याज क्या ज़बरदस्त खुशबू है, टेस्ट बहुत अच्छा है और दिखने में बहुत अच्छी है, बस बंदा एकने वाला खाएगा ना आपने बार बार बनाना है इसे, उम्मीद के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है जी, तो अब हम तो जा रहे हैं गर्मा गर्म फ़िश खाने। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक ठोकें, जल्दी से लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अभी शेयर का बटन प्रेस करके ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करो, ताकि वो भी इस तरह की ज़बरदस्त फ़िश बनाएं, आप फ़िश फ्राई को भूल जाएंगे। ठीक है जी, तो ज़रूर ट्राई करना आप, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर वाले बेल के आइकॉन को प्रेस करके उसे ऑल पर कीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो अब हम फ़िश खाने जा रहे हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आपके साथ। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।